अगेन नेक्स्ट वन काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है रिगार्डिंग बाइट डेटा टाइप्स। अगेन इस केस में फाइनली आपको फाइंड आउट क्या करना, पॉइंट आउट ऑड एक्सप्रेशंस। टोटल इस केस में ऑप्शन वाइज 4 एक्सप्रेशंस अवेलेबल हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है ऑड एक्सप्रेशन। इसमें मीन क्या है इसका, इस केस में कोई भी 3 एक्सप्रेशंस इंटरनली लॉजिकली कैसे इक्विवेलेंट, आउट ऑफ देम वन इज डिफरेंट केस। तो इस केस में आपको ऑड एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। फर्स्ट वन डिक्लेरेशन पार्ट, सपोज बी इज अ बाइट वेरिएबल वैल्यू इज 10, देन इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करना दीज 4 ऑपरेशंस। फर्स्ट वन इस केस में जस्ट बात कर रहे हैं, मोस्टली आपको पता ज्यादा हो सकता है, आपने अदर प्लेसेस पर भी पढ़ा हो, लाइक अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन अवेलेबल है लाइक एक्स प्लस प्लस, इसका लॉजिकल मीनिंग क्या बताया जाता है जनरली, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। क्लियर, सेम एज इन दैट केस, इस केस में x के प्लेस पर क्या है, अगर मैं b यूज कर रहा हूं तो b के प्लेस पर b प्लस प्लस का मीनिंग किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, b इक्वल्स टू b प्लस वन। इज इट ट्रू और फॉल्स, इस अगर आपने ऑलरेडी इस टाइप के कॉन्सेप्ट कहीं से भी पढ़े हैं तो आपको मिस हमेशा बताया गया दोनों ही केस कैसे हैं सेम। इवन मैंने भी सी लेक्चर्स में दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या बताए एग्जैक्टली सेम। ठीक है, रियल केस में अगर बात करें सी लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को डेप्थ में टेस्ट करना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज सी इज नॉट अ स्ट्रिक्टली काइंड ऑफ लैंग्वेज। लेकिन जावा क्या है, जावा इज स्ट्रिक्टली टाइप्ड चेक लैंग्वेज, जिस केस में सारे असाइनमेंट ऑपरेशंस और सारे एक्सप्रेशंस कंपाइल टाइम पर स्ट्रिक्टली चेक होते हैं। इसलिए इस केस में अगर बात करें एग्जैक्टली बी प्लस प्लस, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, नॉट सेम। क्लियर, रीजन आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना, सपोज दैट वी आर राइटिंग सम सोर्स फाइल क्लास सैंपल, और इस कोड को आप कंपाइल करने के लिए ट्राई करोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इनसाइड सम एक्सप्रेशन। अगर मैं इस प्लेस पर राइट डाउन करता हूं सेम कोड बाइट बी इक्वल्स टू 10, देन अगर मैं राइट करता हूँ बी इक्वल्स टू बी प्लस वन, इस केस में ऑलरेडी बोल चुका हूँ इस कोड के या सेकेंड स्टेटमेंट के कंपाइल होने के चांसेस है क्या, नॉट पॉसिबल। रीजन इस केस में जब एडिशन परफॉर्म हुआ तो एडिशन की केस में रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, ऑलरेडी आपको बताया था जब भी टू अर्थमेटिक कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर रिजल्ट किसके बेस पर आइडेंटिफाई करें, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ऑपरेंड। फर्स्ट ऑपरेंड क्या है बी, और बी का टाइप क्या है बाइट। सेकेंड ऑपरेंड क्या है वन, वन का टाइप क्या है इंट। इसका रिजल्ट किस फॉर्मेट में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में, लेकिन असाइनमेंट किस में हो रहा है बी में, और बी का टाइप क्या बाइट। असाइनमेंट पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, मीन्स कंपाइल टाइम एरर। इस फर्स्ट केस में अगर बात करें बी इक्वल टू बी प्लस वन मीन्स ए, ए ऑप्शन में रेस क्या हुआ कंपाइल टाइम एरर, नॉट कंपाइल्ड। अगर बी इक्वल टू बी प्लस वन और बी प्लस प्लस दोनों सेम है, तो अगर सेम प्लेस पर मैं अगर सेकेंड एक्सप्रेशन राइट करता हूँ एज अ B++, तो इस केस में भी रेस क्या होना चाहिए सेम कंपाइल टाइम एरर। लेकिन अगर लास्ट में थर्ड एक्सप्रेशन बात करें B++, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, मीन्स ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल होगा विदाउट एनी एरर, दैट्स अ डिफरेंस। मीन्स फर्स्ट केस में B++ तो कंपाइल हो रहा है, लेकिन B इक्वल्स टू B प्लस वन कंपाइल होने की चांसेस नहीं, जबकि फर्स्ट केस कैसा है वैलिड फॉर कंपाइलेशन पर्पज। रीजन इस केस में जनरली अगर आप टाइप का सॉरी इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, इसका लॉजिकल मीनिंग किसके इक्विवेलेंट है, इट इज इक्विवेलेंट टू बी इक्वल्स टू बी प्लस वन, ट्रू। लेकिन एडिशन डायरेक्टली पॉसिबल है ना, मीन्स इस केस में इम्प्लिसिटली इंटरनली परफॉर्म क्या हो रहा है टाइप कास्टिंग इन टू टाइप ऑफ बी, बी का टाइप बाइट, इसलिए टाइप कास्टिंग किस में जाएगा बाइट में। मीन्स इस केस में थर्ड केस बी प्लस प्लस में परफॉर्म क्या हो रहा है इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, और इस केस में क्या परफॉर्म हो रहा है अगेन टाइप कास्टिंग, दोनों के मीनिंग कैसे हैं एग्जैक्टली सेम। क्लियर, मीन्स बी प्लस प्लस इक्विवेलेंट किसके है, बी प्लस प्लस इज इक्विवेलेंट टू बी इक्वल्स टू टाइप ऑफ बी, और बी का टाइप क्या बाइट एंड बी प्लस वन, मीन्स दोनों कैसे ट्रू, मीन्स सेम सेम एज। वन मोर केस, अगर इस प्लेस पर आप थर्ड एक्सप्रेशन ट्राई कर दिया जाए कंपाउंड असाइनमेंट फॉर्मेट बी प्लस इक्वल्स टू वन, इस केस में भी आपको बताया जाता है अगर आपने कोई भी कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन यूज किया लाइक दैट ए प्लस इक्वल्स टू बी, उसका मीनिंग क्या होता है ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, सेम एज इन दैट केस। इस केस में ए के प्लेस पर क्या बी और बी के प्लेस पर क्या वन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ बी इक्वल्स टू बी प्लस वन। इज इट ट्रू और फॉल्स,
अगेन फॉल्स, मीन्स इन दोनों ही केसेस में, इन केस ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इन केस ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट, इन दोनों ही केसेस में इंटरनली इम्प्लिसिटली परफॉर्म क्या होता है, टाइप कास्टिंग। मीन्स जब भी आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराते हो या फिर कंपाउंड असाइनमेंट के फॉर्मेट में कोई भी एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हो, इस केस में आपको मैनुअली टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मीन्स इस पर्टिकुलर टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग इक्वेलेंट होगा। मीन्स इस केस में तीनों एक्सप्रेशन कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम रीजन। अगर आप लास्ट थ्री केसेस को कंपाइल करोगे, कंपाइलेशन के केस में कंपाइलेशन भी सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहा है, प्लस तीनों ही केसेस में रिजल्ट भी सेम आएंगे। ये तीनों ही केसेस में इंक्रीमेंट होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 11, 11, 11, लेकिन फर्स्ट केस में रेज क्या रहा, कंपाइल टाइम एरर। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन कौन है, ए। ए इज अ ऑड एक्सप्रेशन, रिमेनिंग थ्री आर सेम।